हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान पार्ट 2 विलयन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विलयन क्या होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, इसके बन जिससे मिलकर बनेगा उन घटकों को हम क्या कहते हैं। विलयन हम कहते हैं, मान लो हमारे पास एक पात्र में जल की कुछ मात्रा है। क्या है? जल की कुछ मात्रा है। अब इसमें हमने अपनी तरफ से कोई पदार्थ जैसे कि चीनी को मिला दिया। जब हमने चीनी को मिलाया तो चीनी क्या हो जाएगी, इसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगी, और चीनी के घुलने से एक हमें क्या मिलेगा, विलयन मिलेगा, जिसे हम कहेंगे विलयन के रूप में जो पदार्थ मिलेगा उसे। इसके जो घटक हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। यानी कि किसी भी विलयन को बनाने के लिए हमें दो घटकों की जरूरत होती है, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो विलयन के घटक होते हैं उन्हें कहते हैं विलेय और विलायक। तो पहले करेंगे बात विलयन की। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। क्या? समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिलने वाले घटकों के सभी गुण क्या हों, समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे अभी मैंने उदाहरण बताया था जल में चीनी को घोलकर, जब जल में चीनी को घोलेंगे तो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, घुल जाती है। उसके घुलने से जो मिश्रण बना उसे कहेंगे समांगी मिश्रण, और ये क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। इसके दूसरा पार्ट आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके घुलने वाले घटकों के, ये जिसमें उपस्थित घटकों के गुण समान नहीं होते। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम जल में बालू या रेत को घोल दें तो उसके कण क्या होंगे, पूर्ण तरीके से नहीं घुल पाते, और उसके घटक जो गुण होंगे वो अलग अलग होते हैं, तो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विलयन बनाने के लिए हमें दो पार्ट की जरूरत होती है, विलेय और विलायक। पहला है विलेय, दूसरा है विलायक। तो विलेय किसे कहते हैं? विलेय वह पदार्थ होता है, यह वह मात्रा होती है जो किसी विलयन में कम रूप में घुला हुआ होता है, जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, वो कहलाएगा विलेय। और विलायक वह पदार्थ होता है किसी विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा। जैसे अभी हमने विलयन बनाया है, 500 ml जल है, 500 ml जल है, और 50 ग्राम क्या घोली है हमने इसमें, चीनी। जब 50 ग्राम चीनी को घोलेंगे तो चीनी किसका कार्य करेगी, यहाँ विलेय का, और जल किसका कार्य करेगा, यहाँ विलायक का, क्योंकि विलायक की मात्रा आने की क्या है, 500 ml। तो किसी भी विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसे क्या कहेंगे, विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे, विलेय। अब बात आती है विलयन के प्रकार। तो विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं? तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, वो क्या कहलाएगा, तनु विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसे कहेंगे? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है। अभी हमने उदाहरण लिया है कि 500 ml जल है, इसमें 50 ग्राम चीनी हमने क्या करी है, घोली है, तो एक विलयन बना। दूसरा पात्र लिया, इसके अंदर भी हमने 500 ml जल ले लिया। जब 500 ml जल लेंगे और इसमें हम 100 ग्राम चीनी घोल दें, क्या कर दें, 100 ग्राम चीनी को घोल दें, जब दोनों विलयन का कंपेयर करेंगे तो यहाँ 50 ग्राम चीनी घुली हुई थी 500 ml जल में, यहाँ 100 ग्राम चीनी घुली हुई है किसमें, 500 ml जल में। जब बात करेंगे दोनों विलयन की, तो इसकी जो सांद्रता है वो चीनी की इसके अंदर क्या है, कम है, इसके अंदर क्या है, ज्यादा। तो किसी भी विलयन में जब विलेय की सांद्रता कम होती है तो वो कहलाता है तनु विलयन, और किसी विलयन में जब विलेय की सांद्रता अधिक होती है तो वो कहलाता है सांद्र विलयन। इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ेंगे, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? संतृप्त, मान लो हमारे पास 500 ml जल है, 500 ml जल में हमने चीनी की थोड़ी मात्रा डाली तो वो क्या हो जाएगी, उसके अंदर आसानी से घुल जाएगी। फिर हमने थोड़ी सी मात्रा और चीनी डाली तो फिर से घुलेगी, तो ये क्रिया बार बार होने लगती है और चीनी बार बार घुल जाती है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी और वो पात्र की तली में नीचे क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। तो विलयन की इस अवस्था को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। जैसे हमने 500 ml जल लिया था, 100 ग्राम चीनी को हमने इसके अंदर क्या करा, घोल दिया।
फिर थोड़ी सी मात्रा चीनी की और घोली तो घुल जाएगी आसानी से। घुलने के बाद एक स्टेप ऐसा आएगा कि यहाँ पर इसके बिलियन के अंदर ये जल के अंदर ये चीनी घुलनी की हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब चीनी घुलनी बंद हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, इसकी तली में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो बिलियन की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, संतृप्त बिलियन कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोला जाता है तो वह आसानी इसके अंदर क्या होगा, घुल जाएगा। जब विलेय आसानी से घुल जाएगा तो उसे बार बार ये प्रक्रिया दोहराएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि विलेय पदार्थ विलायक के अंदर घुलना बंद हो जाएगा और वो क्या होगा, तली में बैठना शुरू हो जाएगा। तो बिलियन की इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, संतृप्त बिलियन कहेंगे। इतना पढ़ने के बाद हमारे पास तनु बिलियन, सांद्र बिलियन, संतृप्त बिलियन जब हमने पढ़ लिया तो इसके बाद आता है सांद्रता क्या होती है, क्योंकि हमने बार बार सांद्रता का जिक्र किया है यहाँ पर। तो सांद्रता क्या होती है भाई, जब सांद्रता की बात करेंगे तो सांद्रता कहलाती है किसी विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घुलेगी, यानी कि विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये क्या हो जाएगा, सांद्रता कहलाएगी, विलयन का आयतन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सांद्रता के बाद आएगा कि पदार्थ की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, यह पदार्थ की द्रव्यमान प्रतिशत कितना होता है, आयतन प्रतिशत कितना होता है। अगर हम द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें यहाँ पर, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर पदार्थ की मात्रा बटे जिस यौगिक में वो पदार्थ उपस्थित है, यानी कि यौगिक की मात्रा गुणा 100। यहां पर पदार्थ की जगह विलेय आ सकता है, विलेय भी आ सकता है या तत्व भी आ सकता है। तो अगर उदाहरण के लिए बात करें कि यूरिया है हमारे पास NH2CO, ये यूरिया है। अगर यूरिया में हम कहें कार्बन कितने प्रतिशत है या नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो हमें इसे निकालना है। तो नाइट्रोजन की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, यहाँ पर कितने अणु हैं, 2। और 2 की बात करेंगे तो 2 गुणा नाइट्रोजन का द्रव्यमान भार होता है 14 बटे। अगर यूरिया की बात करें टोटल, तो यूरिया का जो मात्रा होती है, जो द्रव्यमान मात्रा होती है, वो होती है कितनी, 60 गुणा 100। इसके बाद 2 गुणा 14 28 बटे 60 गुणा 100 हो गया, यहाँ से 0 से 0 कटेगा। अगर इसे काटेंगे तो 2 से 2 थी 6 है और 14 आ जाएगा, तो 14 ढाई 140 बटे 3, तो इसे काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 बचे कितना हो गया 20, 3 छंग 18, 2 बचेंगे पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 छंग 18। तो लगभग यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितने परसेंट होता है, 46.66%। दूसरा आता है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत की बात करेंगे तो हम इस फॉर्म में बस थोड़ा सा अंतर करने जा रहे हैं आयतन प्रतिशत में, कि आयतन प्रतिशत क्या है, देखिएगा आयतन प्रतिशत बराबर यहां पर पदार्थ का आयतन, पदार्थ की मात्रा ले लें बटे बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन यानी कि जितनी मात्रा पदार्थ में घुली हुई है, और बिलियन का आयतन लेंगे और गुणा 100 कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां पर मोलरता, कि मोलरता क्या होती है, मोलरता वह पदार्थ, किसी भी पदार्थ की मोलरता किसे कहते हैं, तो मोलरता यानी कि किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित, विलयन का आयतन यहां से किस में आएगा, लीटर में, और यहां पर विलेय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अगर हम डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी, किसी विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी, इसकी मोलरता कहलाएगी। अब हमारे पास ये फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणु भार। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, भार को हम स्मॉल w से करते हैं, और अणु भार को स्मॉल m से करते हैं। तब फॉर्मूले की बात करेंगे यहां से मोलरता की, तो मोलरता बराबर यहां से बनेगा, इसकी वैल्यू रख देंगे यहां पर मोलों की संख्या की जगह, तो विलेय के यानी कि विलेय आएगा
विलेय का भार आएगा जिसे हम W कहेंगे, बटे विलेय का क्या आएगा नीचे अणुभार, विलेय का अणुभार आएगा जिसे हम M कहेंगे, गुणा बिलियन का क्या आ जाएगा यहाँ पर आयतन, बिलियन का आयतन जो क्या कहलाता है V, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा मोलर का बराबर W अपॉन एम बी, यानी कि M बराबर W अपॉन एम बी, ये क्या मोलर का बराबर हो गया। इसके बाद हम न्यूमेरिकल अगर इस पर देखें तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक न्यूमेरिकल है जिसे आप समझ लेंगे तो इसके बेस पे और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। पहला है जैसे 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, यानी कि 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को हमने क्या करा, एथिल एल्कोहल को जल में घोलकर, जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया, 500 ml बिलियन बनाया, तब बिलियन की हमें क्या बात करनी है मोलरता, तब बिलियन की मोलरता ज्ञात करो, मोलरता ज्ञात करो। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए हमारे पास एथिल एल्कोहल की मात्रा कितनी है, सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल की मात्रा लिख लेंगे, एथिल एल्कोहल की मात्रा बराबर जिसे W कहते हैं वो कितनी है 46 ग्राम। ये करने के बाद हम पे बिलियन का आयतन कितना है हमारे पास, क्वेश्चन से ही हम लिखेंगे बिलियन का आयतन V बराबर कितना है 500 ml। जब 500 ml है अब हमें फॉर्मूला देखना है मोलरता का, क्या निकालना है W अपॉन एम भी है तो हमारे पास W भी आ गया, यहाँ से V भी आ गया, लेकिन M कैसे निकालेंगे, तो भैया M यहाँ से आएगा C2H5OH का अणुभार, जब हम अणुभार निकालेंगे M तो वो इस तरीके से आएगा, कार्बन के कितने परमाणु हैं यहाँ दो, प्लस हाइड्रोजन के कितने 5 और 1 6, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं सिर्फ 1। जब बात करेंगे तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस 6 × 1 + 16, तो यहाँ से 12 × 2 = 24 प्लस 6 + 16 तो M इक्वल टू आ जाएगा 46। अब यहाँ से हम आसानी से मोलरता निकाल सकते हैं, तो मोलरता बराबर कितना होता है W अपॉन एम बी, जब W अपॉन एम बी होता है तो W की वैल्यू क्या है 46 ग्राम बटे M की वैल्यू हमारे पास कितनी है 46 गुणा आयतन कितना है V 500 ml। जब 500 ml है लेकिन हमें फॉर्मूले में क्या यूज करना है लीटर में, जब लीटर में बनाएंगे इसे तो 1000 से क्या कर देंगे इसे भाग, तो 46 से 46 एक बार कटेगा तो 1 बटे ये 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 1 × 1000 / 500 आ जाएगा, 500 × 2000 = 1000, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि इसकी मोलरता कितनी हो गई हमारे पास 2 हो गई। एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि मोलरता किसे कहते हैं, किसी बिलियन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे मोलरता। अगर मोलों की संख्या की बात करें तो भार बटे अणुभार होता है, यहाँ से मोलरता बराबर इस फॉर्मूले में रख देंगे तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा बिलियन का आयतन, तो W अपॉन एम बी। क्वेश्चन है 46 ग्राम एथिल एल्कोहल को जल में घोलकर 500 ml बिलियन बनाया, तब बिलियन की हमें क्या करनी है मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करने के लिए एथिल एल्कोहल की मात्रा 46 ग्राम है, बिलियन का आयतन 500 ml जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें इसके अणुभार की गणना करनी है, तो अणुभार किससे निकालेंगे इसके सूत्र से, यानी कार्बन के कितने परमाणु हैं 2, हाइड्रोजन के कितने 5 और 1 6, ऑक्सीजन के कितना है 1, तो 2 × 12 किसका होता है कार्बन का परमाणु भार होता है, फिर 6 × 1 होता है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ से टोटल करेंगे तो 46 आ जाएगा। मोलरता बराबर होता है W अपॉन एम बी, W की वैल्यू रखी है हमने 46, M की वैल्यू रखी है 46 गुणा आयतन कितना है 500 ml, लेकिन लीटर में बनाने के लिए 1 से 1000 से क्या करेंगे भाग, तो 46 से 46 कटेगा एक बार तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 × 500 × 500 = 1000, तो इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी 2। अब मोलरता के बाद आता है हमारे पास मोललता, क्या आता है मोललता, तो मोललता निकालने के लिए देखिएगा मोललता, तो भैया मोललता क्या होती है, तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में, या विलायक के यहाँ पर लिख लेंगे विलायक का भार
वो भी किस में आएगा? किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ पे विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या? विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या? मोलों की संख्या, यह हम रखेंगे। ठीक है, तो क्या है, किसी बिलियन में उपस्थित विलायक के भार में जितने विलेय के अणु या मोलों की संख्या घुली हुई है वो इसकी क्या कहलाएगी? मोललता। या हम ऐसे कह दें किसी विलायक के एकांक किलोग्राम भार में या एकांक किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? हमारी मोललता। इसका अगर फॉर्मूला हम पहले वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मोललता बराबर बनेगा, यहां से मोलों की संख्या क्या होती है? भार बटे अणु भार, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यू अपॉन एम, गुणा विलायक का भार किसमें होता है? क्योंकि विलायक वह पदार्थ होता है जो बिलियन में क्या हो, अधिक मात्रा में उपस्थित हो, जो कम में होता है उसे विलेय कहते हैं, जिसे हम स्मॉल डब्ल्यू से शो करते हैं और इसे कैपिटल डब्ल्यू से शो करेंगे। क्योंकि तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा किसका? मोललता का। अब यहां से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन जब चेंज कर रहा हूं तो ये सिर्फ थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं और यहीं से न्यूमेरिकल समझ जाएंगे हम कि कैसे इस पर हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हम कहें 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को जल में घोलकर, या 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को यहां अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें 200 ग्राम जल में घोलकर बिलियन बनाया गया तो प्राप्त बिलियन की हमें क्या ज्ञात करनी है? ऐसे मोललता ज्ञात करनी है। जब प्राप्त बिलियन की मोललता करेंगे तो भाई सेम एथिल अल्कोहल है C2H5OH की मात्रा, स्मॉल डब्ल्यू जिसे हम कह रहे हैं कितनी है यहाँ पर? 46 ग्राम है भाई। जब 46 ग्राम ये है तो जल की मात्रा कितनी है यहाँ पर? जल की मात्रा किसे कहें? कैपिटल डब्ल्यू बराबर कितना है? 200 ग्राम। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें फिर मोलों की संख्या चाहिए, तो मोलों की संख्या के लिए हमें चाहिए स्मॉल एम, तो स्मॉल एम कैसे निकालेंगे? एथिल अल्कोहल का अणुभार, जब अणुभार की बात आएगी तो ये क्या कहलाएगा? एम इक्वल सी टू, कार्बन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर? दो, हाइड्रोजन के कितने? 6 प्लस ओ, तो 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 16, टोटल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एम बराबर 46 यहाँ से आ गया। अब मोललता का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है W अपॉन एम इंटू डब्ल्यू, रख लेंगे यहाँ पर W अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। भैया W कितना है हमारे पास? देखो 46 ग्राम, स्मॉल m कितना है? 46 गुणा कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 200 ग्राम, लेकिन इसे हम किस में बदलेंगे? किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे? भाग, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो 46 से 46 कितने बार कटेगा? एक बार, तो 1/1000 कहाँ जाएगा? फिर से ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा? 200। अब 200 से इसे काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 5 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मोललता की? 5। एक बार फिर बता रहा हूँ कि किसी भी बिलियन में उपस्थित विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या क्या कहलाएगी? हमारी मोललता। इसके बाद क्वेश्चन है 46 ग्राम एथिल अल्कोहल को 200 ग्राम जल में घोलकर बिलियन बनाया, तब बिलियन की हमें क्या करनी है? मोललता ज्ञात करनी है। तो एथिल अल्कोहल की मात्रा दे रखी है, जल की मात्रा दे रखी है, इसका अणुभार हम निकाल लेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू रखी है डब्ल्यू का मान 46 बटे 46 गुणा 200 बनाएंगे किलोग्राम में, तो 1000 से क्या करेंगे? भाग, जो ऊपर आ जाएगा 46 से 46 कटेगा, और यहाँ से 200 से किसे काटेंगे तो कितने आ जाएगा? 5 बार, इसकी मोललता कितनी आ जाएगी? 5। अब यहाँ से हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारी अगला टॉपिक है वो है मोलंस या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो देखो किसे कहते हैं, मोल अंश या मोल प्रभाज। हमारे पास हमने कोई बिलियन बनाया, जब कोई बिलियन बनाएंगे तो विलेय और विलायक से मिलकर बनेगा, तो हमें विलेय का मोल अंश और विलायक का मोल अंश अलग अलग निकालना है। तो करेंगे क्या, यानी किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे हम? विलेय या विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। देखिएगा इधर हम बात कर रहे हैं विलेय के मोल अंश की, विलेय के मोल अंश, जब इसकी बात करेंगे तो यहां पर देखो इसे x से शो कर देते हैं, किसे शो कर रहे हैं?
एक्स से। अगर हम विलय की बात कर रहे हैं तो यहां पर ए लिख लेंगे, कुछ भी लिख लो, एक्स ए इक्वल। विलय के मोल अंश की बात कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या क्या आएगी, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या। क्या आएगा, बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो देखो अब हमारे पास बिलियन बनाया, विलय और विलाय के तो होंगे, तो विलय के मोलों की संख्या को हम करेंगे किससे सो, स्मॉल एन से। किससे सो करेंगे, स्मॉल एन से सो कर रहे हैं यहां पर। और बिलियन में विलय और विलायक है तो बिलियन में विलय और विलायक के दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां जाएगा एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, अगर हमें विलय के मोल अंश निकालने हैं तो विलय के मोल अंश बराबर स्मॉल एन बटे एन प्लस एन। स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। बात आती है विलायक के, विलायक के मोल अंश जब इसकी बात करेंगे हम तो यहां पर हम एक्स तो लेंगे ही, लेकिन क्या ले लेंगे, यहां बी ले लो। जब बी लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां विलय था तो यहां विलय भी था। अब यहां क्या आएगा हमारे पास, विलायक है तो ऊपर क्या आएगा, विलायक। तो विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, बिलियन के कुल मोलों की संख्या। देखो अब क्या करा हमने, एक्स बी इक्वल विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या क्या है, एन प्लस एन। ये हमारे पास दो फॉर्मूले आए इस फॉर्मूले से, यानी कि किसी बिलियन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या बिलियन मोल विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय विलायक का क्या कहेंगे, मोल अंश या मोल प्रभाज। अब यहां पर क्वेश्चन मैं बना रहा हूं दूसरा, जो इस न्यूमेरिकल वेस है और हम इसे सोल्व करेंगे। देखिएगा ये क्वेश्चन आने के बाद, क्वेश्चन क्या है, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 90 ग्राम जल को घोलकर एक बिलियन बनाया गया। तो जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल अंश ज्ञात करने हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले बताया था जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय। तो विलय हमारे पास क्या है, एथिल अल्कोहल। तो C2H5 OH की मात्रा कितनी है भाई, जो छोटा है उसे छोटे से ही शो करना, तो उसकी मात्रा कितनी है, स्मॉल W इक्वल 46 ग्राम, यही तो हमें दे रखा है। अब जल है हमारे पास, तो जल H2O की मात्रा ये बड़ा है यानी कि विलायक है, ज्यादा मात्रा में है तो कैपिटल W कह दो, कितना है 90 ग्राम। अब ये हमारे पास आ गया, आने के बाद हमें चाहिए मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या के लिए हमें अणुभार भी चाहिए। तो हम एथिल अल्कोहल का अणुभार हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था, यहां भी निकाल रहे हैं। तब C2H5OH का अणुभार अभी हमने निकाला, M इक्वल कितना था यहां से, 2C प्लस 6H प्लस O, तो 2×12 प्लस 6×1 प्लस 16, यहां से आ जाएगा कितना, 46 यानी कि 46 ये आ गया। अब हमें जल यानी कि H2O का अणुभार ये भी चाहिए, जब H2O का अणुभार चाहिए तो कैपिटल M से सो करेंगे, निकालेंगे तो 2H प्लस O, तो 2×1 प्लस 16, तो कैपिटल M आ जाएगा यहाँ से 18। इतनी वैल्यू निकालने के बाद हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो C2H5OH, तब C2H5OH के मोलों की संख्या, जब मोलों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसे स्मॉल n से शो करेंगे, स्मॉल n से, स्मॉल n इक्वल हो जाएगा स्मॉल W अपॉन स्मॉल m, तो n इक्वल W की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 46 ग्राम बटे m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 46, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n इक्वल 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा एक बार। ये आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो H2O के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर इसे कैपिटल N से शो करेंगे, तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M आ जाएगा,
और n इक्वल कैपिटल W की वैल्यू हमारे पास कितनी है 90 ग्राम बटे कैपिटल M की वैल्यू कितनी है 18 ग्राम, तो 18 पंजे 90, कैपिटल N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमें इतना करने के बाद मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे विलेय क्या है हमारा एथिल अल्कोहल, तो और विलेय क्या है जल, तो एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, तब एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के मोल अंश हमें निकालने हैं, तो बराबर क्या है एथिल अल्कोहल के मोल C2H5OH के मोल बटे बिलियन के कुल मोल, बिलियन के कुल मोल। जब ये बात आएगी तो C2H5OH के मोल कितने हैं हमारे पास, यानी कि ये हैं 1 बटे बिलियन के कुल मोल के हो जाएंगे 1 प्लस, या हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल n बटे n प्लस n, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 1 है बटे 1 प्लस कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6। अब इसे अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ से तो 0 बढ़ जाएगा, तो कितना आएगा 6 का 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो 6 6 36, तो कितने मोल अंश आएंगे इसके 0.16। अब बात करते हैं जल की, तो जल के मोल अंश निकालेंगे H2O के मोल अंश, तो भाई क्या होता है देखो H2O के मोल अंश की बात करेंगे तो कैपिटल N बटे N प्लस कैपिटल N, क्योंकि हमारा जल आएगा ऊपर तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 5 बटे 1 प्लस 5, तो 5 अपॉन 6, इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट लगाएंगे यहाँ से 50 हो जाएगा 6 8 48, कितने बचेंगे 2, तो 6 3 18, तो समथिंग कितना आ जाएगा 0.83 मोल आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ तो देखिएगा, हमने क्या करा था कि मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो मोल अंश या मोल प्रभाज देख लो, विलय के मोल अंश अगर निकालेंगे तो विलय के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलय के मोलों को हम स्मॉल एन से शो करेंगे और विलायक के कैपिटल एन से, विलायक के मोल अंश अगर निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या बटे बिलियन के कुल मोलों की संख्या कैपिटल एन बटे एन प्लस एन हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया 40 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 90 ग्राम जल को घोलकर बिलियन बनाया गया, तो जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल अंश ज्ञात करो। जब मोल अंश ज्ञात करने हैं तो एथिल अल्कोहल की मात्रा हमारे पास 46 ग्राम है, जल की मात्रा हमारे पास 90 ग्राम है, C2H5OH का अणु भार हमने निकाला 46, जल का अणु भार निकाला 18, इसके मोलों की संख्या निकाली भार बटे अणु भार से, तो 46 बटे 46 एक आएगी, इसके निकालेंगे तो भार बटे अणु भार से 90 बटे 18 5 आ जाएगी। जब मोल अंश निकालेंगे तो C2H5OH के मोल रखेंगे ऊपर, नीचे बिलियन के कुल मोल, तो 1 अपॉन 1 प्लस 5 यानी 1 अपॉन 6 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के यहाँ से 0.16 आएगा, और यहाँ से अगर इसे सोल्व करेंगे तो 0.83 आएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे परासरण, परासरण किसे कहते हैं, हम दूसरा टॉपिक हमारा परासरण, परासरण कहते किसे हैं, परासरण वह क्रिया होती है, हमारे पास दो पदार्थ होते हैं दो तरीके के, दो पदार्थों से बिलियन बनकर बनता है, जैसे विलेय और विलायक, जिसमें आता है सांद्र और तनु। तो परासरण होता क्या है, परासरण वह होता है जिसमें तनु बिलियन के कण सांद्र बिलियन की ओर स्वतः क्या करने लगे, प्रवाह करने लगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लिया, जब हम इसके अंदर किशमिश को डालेंगे, किशमिश डाल देते हैं तो क्या होती है, सुखड़ी हुई होती है, यानी कि सांद्र होती है एक तरीके से, और ये क्या होगा तनु होगा इसके अकॉर्डिंग। तो सांद्र विलयन और तनु विलयन में जब सांद्र विलयन की ओर तनु विलयन के कण स्वतः क्या करने लगेंगे, प्रवाह करने लगेंगे, उसे कहेंगे परासरण। यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कणों का स्वतः परासरण क्या कहलाएगा, ये स्वतः क्रिया क्या कहलाएगी, परासरण कहलाएगी। और इसके बाद आता है परासरण दाब, क्या आता है परासरण दाब, परासरण दाब में क्या होता है, परासरण दाब में होता है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए अर्ध का पारगम्य झिल्ली पर लगाया गया अतिरिक्त दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। यहां पर एक वर्ड आया अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो वो क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जिसके द्वारा किसी बिलियन के कण आर पार नहीं जा पाते या आसानी से उसे पार नहीं भेज सकते, यानी कि वो अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो अर्धपारगम्य झिल्ली बकरे का जो ब्लेडर होता है जो उसमें होती है, या अंडे की जो हमारी झिल्ली होती है वो होती है। अगर हम कृत्रिम रूप से अगर देखें तो सबसे अच्छी जो अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड की मानी जाती है। तो परासरण की परासरण दाब क्या होता है, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब या बल, वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने के लिए अलग अलग विधियाँ हैं। पहली विधि मैं बता रहा हूँ जो बोर्ड के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और वो पूछी जाती है, वो है बर्कले हार्टले विधि। क्या है? बर्कले हार्टले विधि। इस विधि में क्या होता है, एक पात्र होता है जिसके अंदर हम संतृप्त विलयन को भर देते हैं और उसके अंदर लेयर टाइप में बनी हुई होती हैं। उसके ऊपर एक दाब मापी लगाते हैं, एक नली लगा देते हैं साइड में, और नली लगाने के बाद जो उस पर परासरण की क्रिया शुरू होती है तो वो नली का ताप क्या होता है, नीचे धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। तो उस ताप को रोकने के लिए हम पिस्टन जो ऊपर लगी हुई होगी उस पात्र पे, उस पिस्टन से उस पर क्या लगाएंगे, एक दबाव लगाएंगे जिससे उसकी परासरण की क्रिया को क्या करेगी, वो रोकेगी। तो जितना हम दबाव लगाएंगे उतना ही नली का ताप क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। तो हम उस ताप को क्या कर लेंगे, दाब मापी से नोट कर लेंगे, और उसे नोट करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना दाब हमने इस पर लगाया है, कितना दाब नहीं लगाया। तो वो आती है बर्कले हार्टले विधि। इसमें इसके बाद आता है परासरण दाब के बाद आदर्श जो हमारे बिलियन हैं उन बिलियन के लिए हमने परासरण दाब ज्ञात करने की विधि या उसकी समीकरण एक पढ़ी है जिसे मैं बता रहा हूँ। पीवी बराबर एन एस टी, यानी कि यहाँ पर पी क्या है, परासरण दाब। क्या है? परासरण दाब। बी क्या है? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। और उसके बाद एन क्या है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या जिसे हम कहेंगे डब्लू अपॉन एम। डब्लू क्या है? यहाँ भार। एम क्या है? अणुभार। एस क्या है? यहाँ एस है बिलियन स्थिरांक। क्या है? बिलियन स्थिरांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होती है। इसके बाद टी क्या है? टी होता है परम ताप, यानी कि टी क्या है, परम ताप। इन वैल्यू को रख के हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है परासरण दाब के बाद बाष्प दाब, यानी कि बाष्प दाब क्या होता है। तो देखिएगा बाष्प दाब, बाष्प दाब को बताने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा, बाष्पन क्या होता है, यानी कि किसी भी तापमान पर, किसी भी तापमान पर जल का बाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, बाष्पन। जैसे समुद्र में या नदियों से पानी को जब अवशोषित होता है, सूर्य के द्वारा अवशोषण किया जाता है, या वो बाष्प में बदलते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाष्पन कहलाएगा। यानी कि वह ताप किसी भी तापमान पर जल का धीरे धीरे बाष्प में बदलना क्या कहलाएगा, बाष्पन। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ सिंपल सा। हमारे पास घर पे एक कोई पात्र है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, जल। जल रखा हुआ है। अब हमने इसे बर्नर के द्वारा या गैस के द्वारा हमने क्या करा, इसे गर्म करना शुरू करा, और जब इसे गर्म करना हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, और इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कोई ढक्कन रख दिया। जब हम इसे गर्म कर रहे हैं तो ये जल क्या होगा, थोड़ी थोड़ी देर में गर्म होना शुरू होगा, और जब ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने टेम्परेचर पर क्या होगा, उबलने लगेगा और भाप में क्या होगा, बदलना शुरू हो जाएगा। जब ये बाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा तो ये बाष्प इस ढक्कन को क्या करेगी, थोड़ा ऊपर को उठाना शुरू कर देगी। यानी कि बाष्प क्या लगा रही है, इसके ऊपर बल लगा रही है। तो किसी भी पदार्थ के द्वारा पात्र की सतह के चारों ओर लगाया गया बाष्प के द्वारा बल, वो क्या कहलाएगा, बाष्प दाब। यानी कि सीधी भाषा में अगर बात करें तो बाष्प के द्वारा किसी भी पात्र की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, बाष्प दाब। आई बात समझ में? यहाँ पर बाष्प दाब के बाद हम करेंगे कि बाष्प दाब में अवनमन क्या होता है या उसका उन्नयन क्या होता है। तो बाष्प दाब के पढ़ने के बाद हम करेंगे बाष्प दाब का अवनमन। अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या मतलब होता है, कमी, यानी किसी भी चीज में कमी। तो यहां पर बाष्प दाब क्या आ रही है, तो बाष्प दाब की कमी हो जाएगी। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, हमने जल को गर्म करा था,
मान लो जल को हमने इसे क्या करा, गर्म करा, तो इसका बाष्प दाब लगभग हमारे पास आया 25, कितना आया 25 mm। जब 25 mm इसका हमारे पास बाष्प दाब आ गया, अब हमने इसी जल में या इसी इतनी मात्रा में जल लेके उसमें हमने कोई पदार्थ मिला दिया, यानी कि ये क्या था, सिर्फ जल था, तो हमने इसका बाष्प दाब नोट करा 25 mm। अब इस जल में ही हमने कोई पदार्थ, नमक को क्या करा मान लो, घोल दिया, तो एक बिलियन बनेगा, क्या बनेगा, एक बिलियन बन जाएगा। जब एक बिलियन बनेगा, अब हम इसे गर्म करेंगे, तो हमने नोट करा इसका बाष्प दाब क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि 24.88 हो गया, क्या हो गया 24.88, यानी कि जब हमारे पास सिंपल विलायक था सिर्फ, तो इसका बाष्प दाब नोट कर लिया, कोई पदार्थ मिलाया और जब गर्म किया तो इसका बाष्प दाब थोड़ा सा क्या हो गया, कम, यानी कि जब कम हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम, बाष्प दाब का अवनमन, सिंपल सी भाषा में कहेंगे। जब किसी विलायक को गर्म करते हैं तो उसके बाष्प दाब को तथा उसमें कोई पदार्थ मिलाने के बाद जब गर्म करेंगे तो उसके बाष्प दाब में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमी हो जाएगी, तो उसके बाष्प दाब में हुई इस कमी को ही क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अवनमन। जिसे मान लो हमारे पास, अगर इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएं अवनमन का, तो वो इस तरीके से बनाएंगे, यानी कि ये हमारा बिलियन है, सॉरी हमारे पास ये क्या विलायक, इसका बाष्प दाब क्या था पी, वो इसे ओ से शो कर देंगे और माइनस करेंगे, ये कोई बिलियन बना है तो इसका बाष्प दाब, यानी कि बाष्प दाब का जो अवनमन बनेगा वो विलायक के बाष्प दाब से थोड़ा सा क्या होगा, कम, यानी कि बिलियन का बाष्प दाब है, ये विलायक का बाष्प दाब है, तो थोड़ा सा क्या होगा, ये कम होगा। तो यहाँ पर आता है बाष्प दाब का अवनमन हुआ, अब यहां से पढ़ेंगे बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, यानी कि बाष्प दाब के अवनमन क्या था हमारे पास, ये था बाष्प दाब का अवनमन, ये था तथा बाष्प दाब के किसका बाष्प दाब लेंगे, विलायक का बाष्प दाब, यानी कि बाष्प दाब का अवनमन तथा विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहेंगे, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहेंगे। ये इसका क्या बनेगा, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन बराबर, यानी कि बिलियन बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर बिलियन का बाष्प दाब तथा माइनस यहां से आएगा विलायक का बाष्प दाब, तो यहां से हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट बाष्प दाब पर आधारित है और मोलों की संख्या पर। तो ये जो है, यहां से इसकी सीमाएं और राउल्ट का नियम दोनों पूछे जाते हैं, और हेडिंग मैं लिख रहा हूं यहां से राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम के अनुसार जब किसी बिलियन में जब कोई विलेय विलायक घुला हुआ होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या क्या थी हमारे पास, विलेय के मोलों की संख्या यही तो थी, एन बटे एन प्लस एन किसके बराबर होती है, बिलियन के बाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के, यानी कि ये राउल्ट के नियम को क्या करेगा, शो करेगा। ये हमारे पास क्या है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये क्या है, विलेय के मोलों की, सॉरी विलेय का मोलंश, यानी कि किसी भी बिलियन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होगा, उसमें उपस्थित विलेय के मोलंश के बराबर। अब यहां से बात आती है राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो राउल्ट का नियम पहला पॉइंट है, हमेशा आदर्श विलयन पर लगेगा। आदर्श विलयन वह होता है जिसकी तनुता कितनी होती है, या सांद्रता एक होती है, जिसकी नॉर्मलता एक होती है, वो कहलाएगा आदर्श विलयन। दूसरा, ये स्थिर तापमान पर लगता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तीसरा, वैद्युत भट्टियों पर लागू नहीं होता, यानी कि राउल्ट का नियम है और उसकी सीमाएँ हैं, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू भी आती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम के बाद क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, सिंपल भाषा में कहूंगा तो क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस गैस अवस्था में बदलना शुरू हो जाए, बाष्प अवस्था में बदलना शुरू हो जाए। यह द्रव किसी अवस्था, जैसे हम ठोस यानी कि बर्फ को अगर गर्म करें, तो उसे जब गर्म करेंगे तो पहले बनेगा बिलियन, यानी कि पानी बन जाएगा, और पानी बनने के बाद जब उसे ज्यादा गर्म करेंगे तो किसमें बदलना शुरू हो जाएगा, बाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव किसमें बदल जाएगा, बाष्प अवस्था में बदल जाता है, वो कहलाएगा क्वथनांक। अब यहां पर अगर बात करें तो दो पॉइंट आते हैं, क्वथनांक का उन्नयन और क्वथनांक का अवनमन। तो क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन,
उन्नयन किसे कहेंगे? उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, उन्नयन का मतलब होता है उठना या बढ़ना। तो कथनांक का उन्नयन, जैसे मान लो हमारे पास ये जल था, अभी मैंने यही उदाहरण लिया, जल है, जब जल को गर्म करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने पे उबलेगा? 100 पे। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, अब हमने कोई पदार्थ इसके अंदर क्या मिला दिया, मिलाने के बाद जब इसे गर्म किया तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि कितने पे गर्म होगा फिर, 102 पे, 105 पे, जितने भी ज़्यादा पे वो गर्म होना शुरू हो गया, उबलना शुरू हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? अब देखो जल था, कितने पे उबल रहा था? 100 पे। अब जो बिलियन बना है वो कितने पे उबलेगा? 102 पे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से क्या होगी? वृद्धि। तो जो वृद्धि होगी उसे ही हम क्या कहेंगे? क्वथनांक का उन्नयन। और क्वथनांक का उन्नयन दो तरीके से चलता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिएगा क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या कहलाएगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक देखिएगा, यानी कि किसी भी बिलियन के, किसी भी बिलियन के अगर हम मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात करेंगे तो किसी बिलियन में उपस्थित विलायक के 100 ग्राम, यानी कितनी वैल्यू लेंगे हम विलायक की, 100 ग्राम में उपस्थित कोई पदार्थ हमने घोला तो उससे घोलने से उसके उन्नयन में जो वृद्धि होगी वो क्या कहलाएगा? उसका मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाएगा। अगर फॉर्मूले की बात करें तो डेल्टा टीवी इक्वल यहाँ से आ जाएगा 100 गुणा के वी गुणा यहाँ से डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर बात करें यहाँ कि ये क्या है, तो 100 क्या है यहाँ पर, 100 ग्राम हमने क्या लिया था? मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो के वी क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक को क्या करेगा? 100 करेगा। के वी किसे 100 करेगा? मोलर उन्नयन स्थिरांक को। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलय का अणु, विलय का भार है। एम क्या है? विलय का अणुभार। और कैपिटल डब्ल्यू क्या है? विलायक का भार। और डेल्टा टीवी क्या है? यहाँ जितने टेम्परेचर की क्या हुई है उसके अंदर वृद्धि हुई है। अब इसी के बाद आता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक, बस इस फॉर्मूले में और डेफिनेशन में थोड़ा सा ही अंतर करना पड़ेगा। यहां पर हमने 100 ग्राम विलायक लिया था, वहां पर कितना विलायक लेंगे? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में जब किसी पदार्थ को घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या हो जाती है? थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो उस वृद्धि को क्या कहेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। फॉर्मूला भी सेम रहेगा, यहां से डेल्टा टीवी इक्वल 1000 गुणा के वी गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्योंकि यहां पर हमने 100 ग्राम लिया था मोलर के लिए तो 100 आएगा फॉर्मूले में, यहां कितना लिया था हमने? 1000 लिया था, तो मोलल के लिए 1000 आ जाएगा। अब बात आती है हिमांक के, हिमांक किसे कहते हैं? जब हिमांक की बात करेंगे तो हिमांक क्या है? किसी विलयन का हिमांक वह बिंदु होता है जिस पर उसका, यानी गैस का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? ठोस के बराबर हो जाए। यह वह तापमान जिस पर कोई द्रव या गैस किस में बदल जाए? ठोस में बदल जाए, वो कहलाएगा हिमांक। जैसे बिलियन है हमारे पास, जल है, जल को अगर हम टेम्परेचर ऐसा लें जिस पर वो किस में बदल जाए? बर्फ के अंदर बदल जाए, तो वह कहलाएगा हिमांक। अब आता है हिमांक का अवनमन। क्या आता है? हिमांक का अवनमन। भैया हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं? अवनमन का मतलब मैंने अभी बताया था कमी, तो यानी कि अवनमन माने कमी। तो अगर हमारे पास ये टेम्परेचर है, जैसे हमारे पास क्या कोई द्रव है, जब द्रव है तो हमने क्या करा, इसे जल है, जल को जब हम बर्फ में बदलेंगे तो लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे किस में बदलना शुरू हो जाएगा? बर्फ के अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। अब हमने कोई पदार्थ इसमें मिला दिया, जब कोई मिलाया तो थोड़ा क्या हुआ है, थोड़ा सा कम टाइम पे लेगा, यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा। जब 3 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा जम जाएगा तो इसके हिमांक में क्या हो रही है, यहाँ से थोड़ी सी कमी हो रही है, यानी कि तो हिमांक का अवनमन कहलाएगा। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तो उसके हिमांक में थोड़ी सी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इस कमी को कहेंगे हिमांक का अवनमन। तो अब वही बात, यहाँ पर क्या था? क्वथनांक का उन्नयन, तो यहाँ पर क्या है? हिमांक का अवनमन। यहाँ क्या है? मोलर उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ बनेगा मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। तो मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है? देखो
मोलर अपनवन स्थिरांक वह होता है जब किसी विलायक के 100 ग्राम में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमी हो जाती है, जिसे मोलर अपनवन स्थिरांक कहते हैं। वही फॉर्मूला बनेगा डेल्टा टीएफ इक्वल 100 गुणा केएफ गुणा डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि यहाँ से हमारे पास स्थिरांक क्या हो गया केएफ, डब्ल्यू क्या है विलेय का भार, एम क्या है विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलायक का भार, और डेल्टा टीएफ क्या है जितनी कमी क्वथनांक में हुई है, सॉरी हिमांक में हुई है। अब यहाँ से आता है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं भाई, सेम प्रोसेस वही, यहाँ पर हमने क्या लिया था 100 ग्राम विलायक लिया था, तो यहाँ लेंगे एक हजार ग्राम विलायक या 1 किलोग्राम विलायक के, विलायक में जब कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो इसके हिमांक में क्या हो जाती है कमी, तो इस कमी को क्या कहेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक, यही फॉर्मूला बनेगा। बस यहाँ पर 100 की जगह कितना हो जाएगा 1000 और के एफ गुणा डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ तक इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हुई, अब इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।